20 सितंबर 2019 और टाइम हो रहा है 5:25 और भाई पहुंच चुका है सहरसा जंक्शन। आज भाई जिस ट्रेन को कवर करने जा रहा है वो लोगों की फेवरेट है, अपने टाइमिंग को लेके, अपने सफाई सुथरा क्लीननेस को लेके। यहाँ तक लोग उसे राजधानी से कंपेयर करते हैं और यहाँ तक कहते हैं राजधानी विथ जनरल कोच। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ट्रेन नंबर 12567 सहरसा पटना राज्य रानी एक्सप्रेस। और भाई खड़ा है, अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे, सहरसा स्टेशन पहुंच चुका है और ये ट्रेन 215 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है 5 घंटे 15 मिनट में। सो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ ऋषि, आप सभी का दोस्त, एंड वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल इंडिया विद ऋषि। एंड वन मोर, घूमो इंडिया एंड घुमाओ इंडिया। और ये हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। का बर्थ है C3 में 4। इस ट्रेन में 3 AC चेयर कार है और 18 जनरल कोच। जहाँ तक चेयर कार का फेयर है 425, जिसका सहरसा जंक्शन जिसका स्टेशन कोड है SSC और ये समस्तीपुर डिवीजन में पड़ता है। और बता दूँ रोज़ाना यहाँ से 50,000 पैसेंजर रोज़ाना सफ़र करते हैं। C3 इसी कोच में भाई की सीट है। और ये भाई आ चुके हैं अंदर, 4 विंडो साइड, और सही है 2x2 वाला है पीछे। वैसे इसमें आप देखेंगे सिटिंग अरेंजमेंट 3x2 का है। सीट देख रहा हूँ, शताब्दी से तो कंपेयर नहीं कर सकते बट उससे भी कम नहीं है, ठीक ठाक है। और ट्रेन हमारी सहरसा से निकल चुकी है, देखिए आप भी आ जाइए। कहाँ रहते हैं, इतना लेट क्या करते हैं? शेविंग करने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, और यहाँ पे देखिए इस तरह का हैंड वॉश है, कह सकते हैं मिला जुला के नीट एंड क्लीन है, फ्लश दिया हुआ है, ये फ्लश दिया हुआ है, देखते हैं काम करता है नहीं करता है, काम कर रहा है। फिर मानसी जंक्शन, स्टेशन कोड है MNE और ये सेकंड स्टॉपेज है ट्रेन का। और यहाँ देखिए वाटर बोतल होल्डर, मैं तो यहाँ देखता हूँ, ये सामने आप जो ट्रे देख रहे हैं इस पे लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे को बैठा देते हैं। अब बताइए बच्चे का तो कम से कम वेट क्या बोल सकते हैं, अगर साल दो साल का बच्चा होगा तो 7-8 किलो का तो होगा ही, अभी 8 किलो का वेट ये कहाँ से। और यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं खाने पीने के लिए, ये यहाँ तक लगेज भी देखते हैं, लगेज रख देते हैं, नीट एंड क्लीन है।
हमारी पहुंच चुकी है खगड़िया जंक्शन और यहाँ भी कह सकते हैं बिफोर टाइम वाह इंडियन रेलवे। स्टेशन कोड है KGG। अच्छा ये हमारे साथ झांस रहे हैं बगल में। जी जी हम ACCI हैं। अच्छा ACCI। जी ACCI। अच्छा अच्छा इसमें मतलब क्या है इसमें आपका? इसमें मेरा है AC को मेंटेन रखना। अच्छा तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अच्छा अच्छा सर इसमें कौन सा लोकोमोटिव लगा हुआ है? ये P7 लगा हुआ है। P7 जी। WDL कौन से सेट का? ये है DLW का। DLW का P7 लोकोमोटिव लगा हुआ है। थैंक यू सर। ओके सर बस ज़्यादा नहीं सर थोड़ा सा अब आप इतना रिक्वेस्ट इतना बोले तो हम थैंक यू गार्ड साहब ने जवाब दिया। आ चुकी है मोकामा। इसका स्टेशन कोड है MKA और यहाँ पे टोटल 119 ट्रेन का पर डे हॉल्ट है और जहाँ तक 8 ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और 8 ट्रेनें यहाँ से टर्मिनेट और ये दानापुर डिवीज़न में पड़ता है मोकामा स्टेशन। आप कह सकते हैं मोकामा स्टेशन के पास भी ट्रेन बिफोर टाइम आई है तभी तो लोग इसको कहते हैं राजधानी विथ जनरल कोच। और ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है बख्तियारपुर जंक्शन। इसका स्टेशन कोड बता दूँ BKP। आपको राजगीर और नालंदा के लिए भी यहाँ से ट्रेन मिल जाएगी बख्तियारपुर जंक्शन से। और बता दूँ यहाँ पे प्रसिद्ध देवी माँ का टेंपल है जगदम्बा स्थान जो करोटा में है तो बख्तियारपुर से उतर के आप जा सकते हैं। यहाँ से नज़दीक पड़ता है। टर्मिनल पे इसका स्टॉपेज नहीं है सिग्नल नहीं होने का नहीं यहाँ पे रुकी तो भाई का घर यहाँ से नज़दीक है। सब्सक्राइब बटन आ रहा है दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए आपको इस तरह के ट्रैवलिंग ब्लॉग्स फ्यूचर में देखने को मिलते रहेंगे। चलिए फिर मिलेंगे किसी एक दूसरी जर्नी पे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।